सभी को जय माता जी की। महिपाल मकराना, आज अभी राजपूत समाज की जो संघर्ष समिति बना रखी थी उसकी अभी मीटिंग हुई है और बीजेपी के दोगले व्यवहार के ऊपर जो राजपूत समाज जो आज इस विडंबना के ऊपर पूरे समाज के युवाओं ने अपनी अपनी बात रखी। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं आपसे सबसे ये विनती निवेदन करना चाहता हूँ, क्या राजपूत समाज जिसने इस बीजेपी सरकार को बनाया, इतने सालों से इसको पाला पोसा, क्या हम इसके हकदार भी नहीं है कि हमारा एक भाई जो साम्राज्य में मरता है उसको इन्होंने जो सहायता राशि दी है, एक यहाँ जयपुर में अभी दंगे हुए हैं आप सब लोगों को मालूम है और इसी बीजेपी सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर वहां जाके अपने समाज के लिए खड़ा होता है और उसको बकायदा इतना अच्छा वो सहायता राशि दिलवाता है, इस तरीके से समाज का मान सम्मान भी वो बना के मतलब कहीं ना कहीं ऐसे मैसेज देने को उसने मतलब ये काम करा है। एक भरत नाम का एक लड़का एक्सपायर हुआ जो सिंधी था, इसी समाज के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने उसके साथ खड़े होकर उसको भी सम्मान दिलाया, आर्थिक सहायता दिलाई। हमारे समाज के 23 के 23 जनप्रतिनिधियों में इतनी हिम्मत इतनी ताकत नहीं है कि अपने समाज के व्यक्ति के लिए खड़े हो सके, उसको मुआवजा दिला सके, समाज को खुद को मान सम्मान की जो लड़ाई समाज लड़ रहा था उसमें कहीं ना कहीं उसको ये स्वाभिमान को खड़ा रख के जिंदा रख के समाज खड़ा रह सके, ये हक दिला सके, इतनी भी ताकत नहीं हमारे समाज के नेताओं में। पर कहीं ना कहीं राजपूत युवा राजपूत समाज कमजोर है कि हमारे नेताओं को हम लोग ये बता पाने में कमजोर हैं, ये सिखा पाने में कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी झलक रही है। नहीं तो क्या औकात हमारे नेताओं की जिनको हमने बनाया, हमारे कोटे से जिनके टिकट आते हैं, हमारे कारण से जो जीत के जाते हैं, इतनी हिम्मत क्यों? क्योंकि आप लोगों में कहीं ना कहीं कमजोरी है, कहीं ना कहीं आपस में आप लोग संगठित नहीं है, आप लोगों ने एक साथ खड़े होकर ये ताकत उन नेताओं को उस सरकार को नहीं दिखाया। मैं केवल यही चुनौती यही एक चेतावनी सरकार के हमारे जो नुमाइंदे उनको देना चाहता हूँ, अगर आनंद पाल इनकाउंटर में जिन जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, मैं खुद मैंने एक महीने की जेल काटी है, इस चीज का गर्व है मुझे, पर अगर जिन जिन मासूम लोगों पे जिन जिन जो लोग जो युवा उसमें थे नहीं उन पे निर्दोष लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज करें, वो मुकदमे जब तक वापस नहीं लिए जाएंगे, समाज के जितने भी राजनेता हैं, जितने भी नेता हैं, जितने भी मंत्री हैं, उनको किसी भी समाज के किसी भी संगठन के समारोह में हम इन्वाइट नहीं करेंगे, न मुख्य अतिथि के तौर पर न अतिथि के तौर पर, हम सीधा सीधा उनका बहिष्कार करेंगे। जो व्यक्ति उनको बुलाता है, हमारे पूरे समाज के संघर्ष समिति के मना करने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति विशेष उसको बुला के उन लोगों को बुला के और इस चेतावनी को कहीं ना कहीं धूमिल करने की कोशिश करता है तो हम उनका भी विरोध करेंगे। और ये सीधी सीधी चेतावनी आप मान लीजिए, अगर आप इनकाउंटर के ऊपर जो अनंत पाल जो पूरा प्रकरण हुआ, चाहे वो अनंत पाल प्रकरण हो, चाहे चतुर सिंह प्रकरण हो, चाहे हमारे समाज के वृद्ध जो भी नेता हैं उनको दरकिनार करने का मामला हो, इस सरकार को हमारे लिए सोचना पड़ेगा और नहीं सोचेगी तो इनको भुगतना पड़ेगा। आने वाले जो चुनाव है, चाहे अजमेर के हो, चाहे अलवर के हो, चाहे वहाँ अभी वो मांडलगढ़ का हो, ये तीनों के तीनों उपचुनाव अगर राजपूत समाज जो अभी एक डेढ़ महीने पहले तक ये बोल रहा था कि कमल का फूल हमारी भूल, ये भूल है या विश्वास है, ये आप लोगों को दिखाना पड़ेगा। भूल है तो भूल को भी दिखाओ कि हमारी भूल थी, और वो जो भूल के ऊपर बैठे हुए हैं, फूल के ऊपर जो इन सांप बन के बैठे हुए हैं, हमारे द्वारा बनाए गए लोग हमें आंख निकाल रहे हैं, हमारी कमजोरी है। आप लोगों से निवेदन है 2 अक्टूबर को एक स्वाभिमान यात्रा राजपूत युवा राजपूत समाज निकालना चाह रहा है, जिसका मैं भी एक हिस्सा हूँ छोटा सा। आप सब लोग मिलकर जयपुर की धरती में भैरू सिंह जी के स्मृति स्थल से इस बड़ी तादाद में जयपुर के लोगों से निवेदन है, युवाओं से, यूथ से, राजपूत समाज से निवेदन है कि यहाँ से इस तादाद में चालू करें कि जहां जहां हम लोग पूरे प्रदेश में जाएं, मैं बता रहा हूँ जहां जहां उपचुनाव है वहां तो अलग से हम जाए जा रहे हैं, वहां तो अलग से बकायदा इसकी एक एक ईंट से ईंट बजा के इस सरकार की हम लोग पूछेंगे कि हमने क्या करा, हमने ऐसा क्या गलत करा, सीबीआई जांच मांगकर हमने ऐसे क्या गलत करा, उस माँ के साथ देकर उस माँ के उस कठिन परिस्थितियों में खड़ा होकर उसके साथ खड़े होकर, केवल ये सीबीआई जांच फिर भी दी ना, और उसके बाद भी सरकार का जो रवैया है हमारे प्रति जो इस तरीके से सरकार अपना रही कि हमें हाईकोर्ट से जमानत लेके आनी पड़ी, एक एक महीना उन युवाओं को जो 151 में बंद नहीं हुए उनके
ऊपर क्या बीती होगी, उनके परिवार के ऊपर क्या बीती होगी। मेरा निवेदन यही है, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, पूरे भारत के राजपूतों को इस मैसेज तक पहुंचाएं। सामाजिक, आज आपने देखा होगा पूरा मीडिया हमें कहीं कवरेज नहीं दे रहा है, ये सोशल मीडिया के माध्यम से मैं बोलना चाह रहा हूं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आगे से आगे तक पहुंचाएं। राजस्थान नहीं, पूरे देश में ये मूवमेंट खड़ा होगा और आने वाले दिनों में चाहे गुजरात का चुनाव हो, चाहे एमपी का चुनाव हो, और चाहे कहीं भी महाराष्ट्र का चुनाव हो, वो भी इफेक्टिव होएगा 100% अगर सरकार हमें हमारा हक देने के लिए कहीं ना कहीं खड़ी नहीं होती है। तो उसको सोचने को मजबूर होना पड़ेगा और उस चुनाव के नतीजे बताएंगे, चाहे उपचुनाव हो चाहे गुजरात के चुनाव हो। मैं गुजरात भी अभी जाके आया हूँ। आप सब लोगों से निवेदन है, पूरे भारत के राजपूत युवाओं से निवेदन है, हमसे जुड़ने के लिए इस पेज को देखिए, आगे फॉरवर्ड करिए और बकायदा इसको लाइक करिए। क्योंकि अगर आप मेरी बात को समझ नहीं पा रहे, मुझसे जुड़ेंगे तभी तो मुझे समझेंगे। और जुड़ने का केवल एक माध्यम आजकल सोशल मीडिया है। मीडिया हमें नहीं दिखा रहा, तो सोशल मीडिया का सशक्त जो आपके पास ये एक जरिया है, उसको आगे बढ़ाइए। जय चार बुझेगी, जय माता।